हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। क्या हो रहा है आर्यन? कुछ नहीं, कुछ तो। ये क्या है बताओ? क्या है स्वीडिस में? क्या है बताओ? पता है ये लोग 10-15 दिन से परेशान कर रखा है खाने के लिए, मतलब कुछ स्पेशल बनाओ। नूडल्स तो इसके अंदर पत्ता गोभी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है? 1, 2, 3 सीजन नहीं है। पत्ता गोभी का फिर भी बाजार से लाए हैं, मतलब कम मिलता है, उतना टेस्टी नहीं लगता है। फिर भी मतलब चाउमीन के लिए या मैगी, मतलब तेज तरह बनाने के लिए अच्छा है, मोमोज बनाने के लिए। तो मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया है, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में। अब मैं इसको जा रही हूँ पानी डाल के इसको भाप देने, बॉयल करने। तो ये देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है, मैंने इसको रख दिया है जब तक ये उबलता रहे। और पता है अभी मैं सॉस बना कर आई हूँ, तो कैसी लग रही है? पुरानी साड़ी भी मैंने बनाया, रिपीट बोले की पुरानी साड़ी लग रही है। पुराने जमाने का साड़ी है तो पुराना ही तो लगेगा। ना भी पुराना नहीं है, चलेगा। अच्छा नहीं है? हाँ ठीक ठाक, मोटा मोटी चलेगा। ठीक ठाक ठीक, वही तो परेशान कर रखा था। और शाम का टाइम है, चलो भैया हम बना ही दे, चौमिन भी हो जाए और उसके साथ कॉमेडी भी हो जाए। हाँ, कॉमेडी शॉर्ट्स बनाते हैं, वो बन जाएगा। उसके बाद और कोई काम होगा? अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक देसी मॉम का स्टाइल बताऊं? काम करते टाइम मम्मिया चूल्हे पे रख देती हैं खाना, उसके बाद जो बाकी का काम होता है वो खाना पकता रहे उधर। हाँ। उसके बाद में इधर आके सारा का सारा काम निपटाती है। ये है देसी माँ का। हाँ, और नहीं तो क्या, एकदम ये काम होता है। अभी ये काम हो रहा है जब तक इधर में बर्तन धो लूं। देखिए ये काम होता है, ये हाउस वाइफ का काम। हाउस वाइफ या फिर देसी स्टाइल भी बोल सकते हैं। मम्मी लोगों का यही काम है। हाँ, 3-4 काम करना, वरना होगा ही नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पत्ता गोभी, बंद गोभी बोले या पत्ता गोभी बोले, बात देखी है, बन चुका है। और मैंने चाउमीन के लिए पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये रहा मेरा चाउमीन जो पूरा बना लूंगी। हाँ, पूरा पागल हो गया। हाँ, बना दूंगा, ज्यादा हो गया। ठीक है, कोई नहीं, अब ये फट गया। हाँ, बड़ा 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 चाउमीन होता है, चाउमीन बड़ा ही होता है। मैगी जैसा छोटा होता। तोड़ दें? हाँ तोड़िए। इसके बाद वाला एक और बार लीजिए, उसको तोड़िएगा मत ऐसे ही। हाँ हाँ, क्यों? एक छोटा बड़ा हो जाएगा ना, उबालने में दिक्कत होगा। अच्छा, ये तो एकदम वो लग रहा है फ्रेंच फ्राइज जैसा, लेकिन मैं आज तक एक बार भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाई हूँ। या फिर जो चॉकलेट का बैम्बू स्टिक होता है ना, वो वाला है ना मम्मी? कितना लंबा सा है चॉकलेट। हाँ, तो मैं बाहर दूं क्या? ठीक है, वो भी उबलते हुए पानी में। पानी निकाल दो इसका, क्योंकि इसमें पानी तो एक्स्ट्रा और चाहिए नहीं। प्याज कटना है, इसमें सब्जी जितना डालो उतना अच्छा होगा। लेकिन आर्यन जो नहीं खाता ना, नहीं, तो हमारा इसमें से पानी निकल गया है ना मम्मी? देखिए कितना सूखा है, इतना एकदम मोमोज जैसा पक गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा चाउमीन उबल चुका है और खूब अच्छा से हो गया है, मोटा वाला है। मैंने इसको छान लिया है, ये देखिए पानी नीचे है, अभी गर्म था। अब मैं अभी फैन के पास रखी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो अच्छा होगा, एकदम
खिला खिला अलग अलग, ये तो एक में चिपक जाता है नूडल्स, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए कितना फिसला फिसला हुआ है, कितना अच्छा हुआ। हाँ गर्म पानी से नहा लिया है, अब इसको पंखा का हवा खिला रहे हैं ज्यादा। हाँ चलो प्याज कटिंग, प्याज मैंने कट कर लिया है, अब फ्राई करते हैं इसको। एक बार में तीन चार काम मम्मी कर लेती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज को कट कर लिया है बारीक पीसों में, चार प्याज कट कर लिया है और मिर्च का भी हो गया है। मैंने कढ़ाई रख दिया, अब तेल डालते हैं। मैं सादा तेल बनाने वाली हूँ क्योंकि चौमिन सादा तेल में ही अच्छा होता है। और नीचे एक कटोरी रख दिया ना आप चौमिन के। हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च? हरी मिर्च। अच्छा तो इसे मसाला डालेंगे तो उसमें से लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा ना। एक दो उड़ भी रहा है, तीन चार बस, प्याज थोड़ा सा गल जाए फिर पत्ता गोभी और नूडल्स चला जाएगा। हो गया। हाँ बन गया हमारा नूडल्स और कुछ मसाले पड़ेंगे बस। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज मेरा गल चुका है, आधा गल गया और आधा गलेगा। प्याज गल गया होगा। जाओ तुम पढ़ने जाओ, थोड़ा सा और गलेगा उसके बाद में। हेल्थ के लिए भी सही है। हाँ। और स्वाद में भी बड़ा मस्त। ज्यादा करके डाला है ये पत्ता गोभी, इसके बाद जाएगा ये नूडल्स है ना। स्वाद ही नहीं आता, नमक स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया। हल्का सा क्योंकि मेरा चौमिन में पीला हुआ है, और जीरा गोल मिर्च पाउडर मैंने हल्का सा दे दिया, लाल मिर्च पाउडर दे दिया। लाल मिर्च ज्यादा मत डाल दीजिएगा मम्मी, तीखा ना हो तो मजा नहीं आता है खाने का। हाँ हल्का सा ठीक है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ क्या है, क्या मैगी मसाला। मैगी मसाला मुझे अच्छा लगता है, मैगी का भी हल्का हल्का टेस्ट आएगा मैगी मसाला। मैंने डाल दिया बड़ा पकड़, ठीक है। नूडल्स भी तो है इतने सारे, अब होगा ये सारा मिक्स, सब पकाएंगे। इसी में हम ये भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं टमाटो सॉस, बट अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से अपने हिसाब से डालकर खाता है ये। हाँ क्योंकि किसी किसी को पसंद नहीं होता टमाटो सॉस, जैसे ये मुझे मुझे सॉस पसंद नहीं है। और मुझे भी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी। अच्छा, ना अच्छा कर रही है। चलिए कोई नहीं, हरी सब्जी के साथ और भी थोड़ा चला ही जाए, सिर्फ पटल आलू भी डाल देती थोड़ा सा। चौमिन का जो सब्जियाँ होती है वो, चल जा चौमिन तेरे को भी आग में पकना है। और मम्मी के हाथ का टेस्ट बड़ा मस्त लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब चौमिन को इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं इसको मिलाऊंगी। हो जा तू फटाफट से मिक्स। हाँ, क्योंकि पेट में कूद रहा है चूहा। और मम्मी इसके साथ एक रेस होगा, फनीस्ट रेस, मतलब उस रेस में क्या करना होगा, हमें हमारा हाथ को बांध दिया जाएगा या फिर हमें हमारा हाथ को पीछे करना है,
और सिर्फ मुंह के साथ खाना है, ठीक है, हाथों का उपयोग नहीं चलेगा। और वो ब्लॉग जाएगा कोई ऐसा चैनल तो ब्लॉग ही सॉर्ट चैनल पे। हाँ, कॉमेडी का तो कॉमेडी पे ही चलेगा, है ना। हाँ, और उसके बाद विनर को मिलेगा जो ने पापा ने आज लाया है बहुत सारा खाने का सामान। हाँ, खाने का सामान हम आपको दिखा देते हैं, चलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कांटा चम्मच से मिला दिया क्योंकि छलनी से नहीं मिल रहा है। और कांटा चम्मच से है क्या है कि मतलब दोनों साइड से चारों तरफ से मैंने कर दिया। और ये तो वैसे भी दुकान में ज्यादा यूज करते हैं, ये इस तरह का जुगाड़ी दिमाग है ना। तो ये हो गया अच्छे तरह से मिक्स। अब हम दिखाते हैं विनर को क्या क्या मिलेगा, ठीक है मम्मी, चलिए। हाँ, इसका खुशबू ने तो पेट में और चूहे को बढ़ा दिया मम्मी। मेरा चाउमीन बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए शाम को इसके पापा क्या क्या लाए हैं। ये है झुरी बुंदिया, ये है काटा नमकीन, ये है क्या बोलते हैं बारो भाजा, और ये कुछ मीठे में चॉकलेट भी क्यों ना हो जाए। और ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ विनर को, ठीक है मम्मी। तो इसे हमने कटोरिया में सर्व कर दिया है। सुनिधि कर रही है अपना होमवर्क। और मेरा होमवर्क तो हो गया, तुम्हारा स्कूल अभी। हाँ, तो चलो अब इस पेपर्स को साइड कर देते हैं। गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि आर्यन तो अभी छोटा है ना, उसी लिए। तो देखिए हमारा सर्व हो चुका है। हाँ, खा लीजिए, कोई बात नहीं। इनको बाजार का भी चीज चाहिए, घर का भी। फर्स्ट को मिलेगा ये दोनों चीज और विथ टू टॉफीज। सेकंड को मिलेगा ये एक चीज और विथ टू टॉफीज, ठीक है। हाँ, हमें रेस करना है मम्मी। कहाँ? अच्छा, तो तब तक ठंडा हो जाए। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। आप सधाते रहो, खाते रहो, खाते लगेगा एक घंटा। टमाटो सॉस डालो, ये देखिए है टमाटो मैं इसमें मिक्स करूंगा। अब आएगा मजा खाने का, असली मजा। या फिर उसको सिर्फ सॉस भी दे दीजिए, खा लेगा। हाँ, कैसा लग रहा है?